ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, यदि पति दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ जाए या फिर किसी अलग जगह पर उसकी वैषणता, उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है, पति जुए में रमने लगा है, गलत कर्म में जाने लगा है, तो उस पति को सही मार्ग पर लाने के लिए आपको ताने नहीं सुनाना, झगड़ा बिल्कुल भी मत करना। बस एक काम करना, अगर आपको भोलेनाथ पर थोड़ा भी भरोसा है तो देखिए, जिस शिव मंदिर में शिव पंचायत विराजमान है, यानी कि स्वयं शंकर भगवान, माता पार्वती, गणेश कार्तिकेय जी और नंदी महाराज या फिर अम्मा अंबे, उसी मंदिर में जाना है आपको। क्योंकि शास्त्र कहता है जिस मंदिर में शिव पंचायत बैठी हो, उस मंदिर में देवी जी के सामने एक पान के पत्ते में पति जिस भी नारी या गलत कर्म में फंसा है, उसका नाम लेकर पान के पत्ते पर थोड़ा सा मक्खन रखकर देवी माता के सामने रख देना और दूसरे पान के पत्ते पर थोड़ा सा मक्खन रखकर मंदिर के पीछे रख देना। दोस्तों, कुछ भी बोलना चालना ही नहीं है आपको अपने पति से, बस शिव की पंचायत में पहुंचकर अपनी बात पंचों के सामने रख देना है। लेकिन दुनिया के पंचायत के सामने कभी मत रखना। बस तीन महीने इंतजार करना। दोस्तों, ऐसी फूट पड़ती है कि वो एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना पसंद करेंगे। बस तो हमें चाहिए भी यही कि हमारा पति अपनी पत्नी को छोड़कर कभी दूसरी महिला के चक्कर में ना पड़े, और अगर गलती से पड़ भी गया है तो उसे शिव पंचायत सही मार्ग पर ले आएगी। हर हर महादेव।